बच्चा क्या करता है, स्कूल जाएगा, फोकस ही नहीं रखता है, वो रोज अपने 8 घंटे बर्बाद करके आता है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली। डोंट गो टू स्कूल इफ यू डोंट वांट टू स्टडी। नोट्स बनाते हैं पहले फिर पढ़ते हैं, वो याद करके नहीं लिखते। तो आप अपना 3 बार टाइम वेस्ट करते हो, एक बार स्कूल में, एक बार कोचिंग में, और तीसरी बार खुद से बनाने में। तुम सेम चैप्टर अपना स्कूल में पढ़ के आते हो, सेम चैप्टर कोचिंग में पढ़ते हो, सेम चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ते हो, फिर जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तुम्हारा सिलेबस कभी क्यों नहीं खत्म हुआ होता। हे गाइस, दिस इज कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो आज पहली बार मैं बैच 2024 और 25 से मिल रही हूँ, तो सबसे पहले वेलकम टू आर कम्युनिटी #boardswithkritidi। पूरा साल हमें साथ चलना है और 95% का टारगेट अचीव करना है, वो भी साथ में रह करके। तो मैं आज आपको क्लास 10th का कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ, एक एक फ्लॉज आपके टाइम टेबल में मैं निकाल के दे दूंगी जिससे आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। मैंने खुद ने 100% मार्क्स अपने क्लास 10 में स्कोर किए थे, मेरा पूरा बैच वाज अवार्डेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल द सिनेरियोस, एक बच्चा जहां पे गलत होता है, सारी चीजें आज मैं बताऊंगी। इट इज नॉट अ नॉर्मल रोड मैप, जहां पे आपको लगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आप बिल्कुल वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, बिकॉज आई वैल्यू योर टाइम, बहुत ज्यादा मुझे उस चीज की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो यार बच्चों को नहीं समझ आता है कि गोल्स या टाइम टेबल कैसे बनाना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, स्कूल का टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता। स्कूल में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, घर पे आते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने के लिए। स्कूल में टीचर चैप्टर 1 पढ़ा रहा है, कोचिंग में चैप्टर 2 चल रहा है, बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी में चैप्टर 3 पढ़ रहा है। तो ये सब पैटर्न्स को कैसे सॉल्व करना है, मैं सेल्फ स्टडी कितने घंटे करूं, नोट्स कैसे बनाऊं, ट्यूशन टीचर अलग नोट्स दे रहा है, स्कूल टीचर्स अलग से नोट्स दे रहा है, सेल्फ स्टडी में नोट्स बनाने बैठूं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व कर दूंगी और हर एक टिप बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, एक एक बात दिमाग में बैठा लेना, एक नोटबुक और पेन लेके बैठो। तो सबसे पहले यार बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो कोई भी स्टूडेंट जिसका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है कि वो 7 बजे उठेगा, 7:30 से रिविजन करेगा, 2 बजे स्कूल जाएगा, फिर आएगा होमवर्क करेगा, इस तरीके के टाइम टेबल नेवर वर्क, ये कभी भी काम नहीं करते। किसी भी पेपर पे मेरी ये बात लिख लो, ये टाइम टेबल तुम चाहो ना चाहो 2 दिन से ज्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि ये लॉजिकली नहीं है। अब देखो, 10th में अगर टॉप करना है ना, एक सिंपल सी कैलकुलेशन दिमाग में बैठा लो, अपने गोल्स फिक्स कर लो। अब उस गोल्स को फिक्स करने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम टाइम कहां से लेके आओगे। तो कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही अपना सिलेबस डिवाइड कर लिया था कि भाई मेरे 15 चैप्टर सोशल में है, 16 चैप्टर मैथ्स में है, या फिर 15 चैप्टर साइंस में है, टोटल इतने चैप्टर्स हो गए, मुझे अपना सिलेबस नवंबर एंड तक किसी भी हद तक कंप्लीट करना ही है। उसके बाद अपने मंथ वाइज एलोकेशन कर दो कि भाई मेरे को अप्रैल में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मई में मेरे को 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जून में शायद छुट्टियां होगी, वेकेशंस होगी, मेरे पास ज्यादा टाइम होगा, बफर होगा, तो मैं यहां पे 4-5 चैप्टर्स पढ़ लूंगा। तो ऐसे आपको अपने मंथली टारगेट बना के रखने हैं। अब आपको ये चीज ऐसी लगती है कि हो सकती है, अगर मैं बोलूं आप अप्रैल मंथ में बचे, यू हैव टू फिनिश 2 चैप्टर्स, नाउ इट सीम प्रैक्टिकल, नाउ यू कैन डू इट। 2 चैप्टर 1 महीने में करना प्रैक्टिकल लगता है, बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज मैं टाइम में बांट दूं कि मैं 7-8 बैठ के पढ़ूंगी 1 घंटा, फिर मैं चैप्टर करूंगी, पॉसिबल नहीं है। अब आप 1 महीने के हिसाब से अपने बड़े टारगेट्स रखो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक चीज याद रखना, वो ये है कि जिस भी मंथ में जितने भी चैप्टर्स का टारगेट है, उतने चैप्टर्स को उसी मंथ में एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज जरूर कर देना, ताकि आप जब नए चैप्टर्स पढ़ो तो आप पुराने चैप्टर्स को भूलो नहीं। बस एक ये छोटी सी चीज मेरी दिमाग में रख लेना। तो टाइम टेबल आपको ऐसा कुछ नहीं बनाना, बस अपने गोल्स सेट कर लेने हैं, और ये आज के आज ही अपना पेपर निकालो, पेन निकालो, और ये अभी से बना करके अपनी वॉल पे पेस्ट कर दो, और स्टिक टू दिस टाइम टेबल। भाई जो मर्जी हो जाए, मुझे ये काम करना है। रोज भागोगे तो भाग पाओगे, सिर्फ 1 दिन भागोगे बच्चों, थोड़ा ही भाग पाओगे, फिर उसके आगे नहीं जा पाओगे। ये हो गया आपका टाइम टेबल की चीजें, आपको समझ आया। नेक्स्ट देखो भाई, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्कूल कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच का टाइम मैनेज करना। प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है, बच्चे को समझ ही नहीं आता है। बच्चा क्या करता है, स्कूल जाएगा, फोकस ही नहीं रखता है, वो रोज अपने 8 घंटे बर्बाद करके आता है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली। एक टीचर चैप्टर पढ़ा रहा है, बच्चा दिमाग ही नहीं लगा रहा है वहां पे, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है जैसे टीचर पढ़ा रहे, अरे पढ़ाने दे, छोड़ भाई, हमें क्या लेना देना, अरे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है उससे हर दिन 1 घंटा। तो स्कूल जब नहीं पढ़ना होता है ना, मैं हर बार ये चीज बोलती हूँ, डोंट गो टू स्कूल इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी। मत जाओ स्कूल, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये माइंड सेट से जाते हैं कि स्कूल में जाएंगे, छोड़ भाई, ट्यूशन वाला पढ़ाएगा तब पढ़ लेंगे। ट्यूशन में फिर से बैठते बच्चे, दे हैव द सेम एटीट्यूड कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे, या यूट्यूब टीचर से पढ़ लेंगे, या वो लाइव क्लासेस देख लेंगे। ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर
बार आप एक चैप्टर को 3 से 4 जगह पढ़ते हो, फिर भी जब तुम सेल्फ स्टडी करने पहुंचते हो तो तुम्हें उस चैप्टर का कुछ भी नहीं पता होता। तुम सेम चैप्टर अपना स्कूल में पढ़ के आते हो, सेम चैप्टर कोचिंग में पढ़ते हो, सेम चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ते हो, सेम चैप्टर अपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, फिर जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तुम्हारा सिलेबस कभी क्यों नहीं खत्म हुआ होता? क्योंकि तुम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हो। स्कूल में जाओगे वहां भी फॉर ग्रांटेड, ट्यूशन में जाओगे वहां भी फॉर ग्रांटेड। तो ये एटीट्यूड बदल दो। अगर टॉपर बनना है तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, जहां भी जाऊंगा जितना भी पढ़ूंगा ईमानदारी से पढ़ूंगा। स्कूल टीचर पढ़ा रहे, कोशिश करो पढ़ो पढ़ो, रिटेन करने की कोशिश करो कि जब टीचर पढ़ा रहे 70% लेक्चर समझो कि वो पढ़ा क्या रहा है। इफ टीचर इज टीचिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, सोचो कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाऊं, उसको समझो। फिर जब आप दोबारा से वही चीज ट्यूशन में पढ़ते हो तो वहां पे भी जो भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो उसको भी 100% देके पढ़ो, तब आपको वो चीज ज्यादा समझ आएगी। क्योंकि जब ये सेम टॉपिक आपकी कोचिंग में करवाया जाएगा तो आपको ऑलरेडी वो चैप्टर आता होगा, तो इस चैप्टर को समझने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। यानी पहले अगर कोचिंग में बिना पढ़े आपको वो चैप्टर 10 या 20% समझ आता, तो अब आपको वही चीज 70-80% समझ आएगी। तो यहां पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन को डबल कर दिया और स्ट्रॉन्ग भी कर दिया। अब जब आप इसी चीज को दोबारा से सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे तो भाई यही चीज आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सेल्फ स्टडी तक आते आते बिल्कुल ही वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जो भी आपके डाउट्स हैं, और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा तेजी से भागेंगे और इस तरीके से आप बाकी बच्चों से अलग हो जाओगे। तो ये कोड क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक और चीज हो रही है कि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो अगर आपको स्कूल में भी ध्यान नहीं दिया, कोचिंग में भी ध्यान नहीं दिया, मुंह उठा के सेल्फ स्टडी करने बैठ गए, तो यू विल फेस वन प्रॉब्लम। दैट वुड बी कि आप जब सेल्फ स्टडी करोगे आपको एक चैप्टर के लिए पहले दोबारा से सारे मेहनत करनी पड़ेगी, सारा एफर्ट दोबारा से रिपीट करोगे, 5 से 6-7 घंटे लगा लोगे, फिर भी चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे। और अगर ये चैप्टर पहले से पढ़े होंगे, पता होगा, तो जब तक तुम यहां पे सेल्फ स्टडी में पहुंचोगे तुम वही काम 1 से 1.5 घंटे में बहुत सक्सेसफुली खत्म कर पाओगे, क्योंकि 10th में सिलेबस इतना ज्यादा नहीं होता, फोकस के साथ पढ़ा तो काम हो गया। तो ये वाली चीज दिमाग में बैठा लो कि मैं जब जा रहा हूं ईमानदारी से पढ़ रहा हूं ताकि जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठूं मेरा टाइम बचे। तुम स्कूल 8 घंटे जा रहे हो उसका यूटिलाइज तो करो। अगर तुम्हारा टीचर एक चैप्टर तुम्हें 6 दिन तक पढ़ा रहा है और 1 घंटे की क्लास है तो तुमने 6 घंटा वेस्ट कर दिया, फिर तुम कोचिंग में अलग से घंटे वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट नहीं करना, जितना पढ़ सकते हो उतना रोज के बेसिस पे पढ़ो, समझने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जितनी बार पढ़ रहे हो उतनी बार स्ट्रांग हो, ना कि खराब हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ स्टडी के बारे में। अब दूसरा डाउट क्या होता है, देखो जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे इनिशियली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या होती थी, मेरे स्कूल में मान लो चल रहा है चैप्टर नंबर 1, मेरा कोचिंग में मेरे को पढ़ा रहे चैप्टर नंबर 2। अब सेल्फ स्टडी मुझे समझ नहीं आता था, मैं सेल्फ स्टडी में कोई और ही चैप्टर कर रही हूँ। जब तक मैंने ऐसे पढ़ा तो मुझे समझ आया यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरा 3 बार एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तीनों जगह अलग अलग चीजें पढ़ा रही हूँ, मैं ब्रेन में 3-3 चीजें फीड कर रही हूँ। आपको मैं एक हैक देती हूँ, ध्यान से सुनना। एक चीज पकड़ लो, या स्कूल या कोचिंग, एक चीज जो आप पूरे साल फॉलो करोगे कि भाई मैं तो सिर्फ जो मेरे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ूंगा, या जो मेरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ूंगा। कायदे से कि सेल्फ स्टडी करने के लिए एक चीज फिक्स कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मुझे कोचिंग में ज्यादा समझ आता है तो मैं कोचिंग के हिसाब से सेल्फ स्टडी करूंगा। तो अब आपको बच्चों कुछ नहीं करना, अब आपके कोचिंग में जितने दिनों में एक चैप्टर होता है आपको सेल्फ स्टडी में वही चैप्टर करना है। यानी कोचिंग में आप 1-1.5 घंटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ के आए, क्योंकि आपने कोचिंग को डिसाइड किया सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो जो सिलेबस आपका कोचिंग में चलता है वही सिलेबस आपका सेल्फ स्टडी में चलना चाहिए। उसके पेस से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ताकि आप एक ही बार में 2 जगह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, कोचिंग में भी पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी में भी पढ़ रहे हो, साथ के साथ चल रहे हो, आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी। अब आप बोलोगे कि स्कूल का क्या करें, स्कूल का कुछ नहीं करना, जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसका सिलेबस बस अप टू डेट रखो, इतना पढ़ लो जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। मान लो स्कूल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 5 हेडिंग्स पढ़ाए, बट उसे बस उतना ही रिवाइज कर लो ताकि जब अपना अगला लेक्चर लेने जाओ तो तुम्हें पता हो कि पहले लेक्चर में क्या हुआ। और ये करने से फायदा क्या है, अप टू डेटेड रहने से, जब यही वाला चैप्टर दोबारा से कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें ये चैप्टर आता होगा, कोचिंग में तुम और फोकस के साथ पढ़ पाओगे, फिर जब सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम्हें और हेल्प हो जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, अगर स्कूल के हिसाब से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो स्कूल में जितना पढ़ा रहे हैं घर पे आके वही बहुत अच्छे से पढ़ो, और कोचिंग के सिलेबस के लिए अपडेटेड रहो, दैट इज इट। ये होता है सेल्फ स्टडी को क्रैक करने का कोड। अब सवाल आता है कितने घंटे पढ़े, मेरा सॉर्टेड था भाई, मैंने 2 आवर्स का अपना टाइम फिक्स किया हुआ था रोज पढ़ने का। इसमें एक बेसिक सी चीज होती है, 2 घंटे निकाल सकते हो, पहली चीज।
इसमें क्या फायदा है कि 40 मिनट्स तो वो पढ़ो जो तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो स्कूल में, जितना भी पढ़ा रहे हो एवरी डे उसको रिवाइज करो, बस 5 मिनट निकाल के उसी दिन पढ़ाया उसी दिन पढ़ लो, सिर्फ ये रिवाइज करो जो हर दिन तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उस सिलेबस से अप टू डेटेड रहने के लिए सिर्फ 40 मिनट्स रिविजन करो, उसके अलावा 1 hour and 20 minutes वो पढ़ो जो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करो, अब तुम वो कोचिंग के हिसाब से कर रहे हो या स्कूल के हिसाब से कर रहे हो, 1.5 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटा यू जस्ट हैव टू डू सेल्फ स्टडी रिलीजियसली, और 40 मिनट्स में अपने कॉन्सेप्ट्स अपडेटेड करो कि भाई मैं अपने स्टडीज में अपडेटेड हूं या नहीं, मेरे कोचिंग में अगर 2 topic पढ़ा है मुझे 2 topic पता होने चाहिए, कल मैं क्लास में ऐसे ही नहीं चले जाऊंगा दिमाग उठाकर कि बस बैठ गया वहां पे रैंडमली बैठा हुआ हूं देख रहा हूं अच्छा क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, पंखा लगा है लाइट लगी है चलो बढ़िया सा माहौल है, ऐसा नहीं, पता होना चाहिए भाई क्लास में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपनी सेल्फ स्टडी को क्रैक करने का मेथड, दोनों चीजें हो रही है, जो चीज स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो भी कर पा रहे हो, जो ट्यूशन में पढ़ाई जा रही है वो भी कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट चीज जो क्या है, नोट्स। नोट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बच्चों को आज तक यही नहीं समझ आया कि नोट्स अगर 3 बार बनाओगे तो तुम उस चीज से कुछ सीख नहीं रहे हो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं पहले फिर पढ़ते हैं, वो याद करके नहीं लिखते, तो आप अपना 3 बार टाइम वेस्ट करते हो, 1 बार स्कूल में, 1 बार कोचिंग में और 3री बार खुद से बनाने में, तो ये है आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्ट, ये नहीं करना। नोट्स बनाने का मैं हैक बताती हूँ, तो नोट्स बनाने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका बताऊँ, एक नोटबुक बना लो और उसका एक नेम रख लो, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया मिशन 100, तो मेरी नोटबुक का नेम मिशन 100 ही था, आपने एक नोटबुक ली उसका नेम रख दिया मिशन 100। अब बेटा यही एक नोटबुक है जो आपके बैग में सारा टाइम रहेगी, कुछ करो या ना करो ये नोटबुक हमेशा तुम्हारे बैग में होनी चाहिए। अब ये नोटबुक मान लो तुम कोचिंग लेके गए, अभी स्कूल के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम ये नोटबुक अपनी कोचिंग लेके गए, कोचिंग में टीचर ने आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाया, तुमने पढ़ा जो भी टीचर ने लिखवाया तुमने लिख दिया, फिर तुम उस नोटबुक को लेके घर गए, घर में तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है मैंने बताया, उस सेल्फ स्टडी में जो तुम्हें लगा यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो मिस आउट हो गया है कोई चीज़ जो टीचर ने नहीं बताई या सेल्फ स्टडी करते हुए बुक पढ़ते हुए आपको पता चली, उस नोटबुक में वहीं पर ही लिखो, सेम नोटबुक पे लिखो ऊपर सेल्फ स्टडी करते टाइम जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उसी नोटबुक में सारा कुछ डिटेल करते जाओ। अब देखो स्कूल का क्या है कि स्कूल में टीचर्स अलग नोटबुक बनाते हैं, कोई बात नहीं बना के दे दो क्योंकि चेक करवानी होती है, लेकिन स्कूल टीचर ने भी तो कोई ऐसे पॉइंट्स बताए हो सकते हैं जो आपके ट्यूशन टीचर ने नहीं बताए, आपको सेल्फ स्टडी करते नहीं मिले, तो इस नोटबुक से उठा के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद मिस हो गए हैं जिसके चांसेस 10 या 20% होते हैं, क्योंकि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में आप मोस्टली सारे पॉइंट्स लिख लेते हो, अगर कुछ मिस हो गया वो 20% इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई वो भी इस नोटबुक में जाकर के लिख दो, तो इस हिसाब से आपकी एक सिंगल नोटबुक में आपके सारे स्कूल की इंपॉर्टेंट चीजें, ट्यूशन की इंपॉर्टेंट चीजें और सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, आपने 3 बार नोट्स लिखने का टाइम बचा करके एक ही नोटबुक बनाई, 10 बार आपको 3 की 3 नोटबुक्स नहीं खोलनी पड़ेगी, ना आपको बार बार जाकर के अपने रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि अरे ये कौन से पेज में लिखा था ट्यूशन में, ये कौन से पेज में लिखा था, एक नोटबुक बनाओ बैग में रख लो, जहां जाना है साथ में लेके जाओ, जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हो जहां टाइम लगा पढ़ना है फट से नोटबुक खोली, वहीं पे कोचिंग का भी है वहीं पे सेल्फ स्टडी का मटेरियल भी है, स्कूल के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काम खत्म। जहां पे लगता है कोई चीज छूट गई है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे अपने स्टिकी नोट्स लगा ली और उसमें इंफॉर्मेशन लिख दी, एक नोटबुक बना लो काम सॉर्टेड है, ये चीज याद रखना। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला शीट। जैसे ही सेशन स्टार्ट हो गया तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप सोशल में क्या फॉर्मूला शीट बनेगी, टाइमलाइंस बनती है कौन सी डेट में क्या हुआ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ से बनाना, बहुत जगह से मैं तो तुम्हें लाके दूंगी ही दूंगी वो तो चलो कोई बात नहीं, बट तुम्हें खुद से भी अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करने, फॉर एग्जांपल मैथ्स में रियल नंबर्स चल रहा है, एक नोटबुक बना लो SEC, फॉर एग्जाम्पल ये एक नोटबुक है देखो, इसमें तुमने हेडिंग डाल ली ऊपर रियल नंबर्स, तुम सॉल्व कर रहे हो मैथ्स को, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो तुमने रियल नंबर्स के लिख दिए क्योंकि तुम वो चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन बना दो। अब जब टीचर कोई दूसरा मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल सर्कल्स, उसके कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो सारे इसके नीचे एक शीट के नीचे ही अपडेट करते जाओ, 3-4 pages की शीट बना दी उसी शीट के नीचे अपडेट करते जाओ, सेम ऐसा ही साइंस में करोगे सेम ऐसा ही सोशल में करोगे, और ये तीनों हमेशा तुम्हारे बैग में पिन होके रहनी चाहिए ताकि जब भी तुम्हें कुछ भी सॉल्व करना है तो तुम्हें
पेज को पीछे ना पलटना पड़े, अरे यार रियल नंबर्स का वो फॉर्मूला क्या था, नहीं उसी में रखो, हमेशा डेस्क में रखो ताकि कभी भी पढ़ाई करनी है तो फटाफट से खोला, रियल नंबर्स का फॉर्मूला देखा, सॉल्व करना शुरू कर दिया, 10 बार नोटबुक पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई। एक लास्ट टिप है मेरी जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, दैट इज टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बच्चा ये सब काम नहीं करता है। टू डू लिस्ट का क्या मतलब होता है, ये वैसे जो दिखाया था टू डू लिस्ट ही है, ये मेरी टू डू लिस्ट है। इसमें एवरी डे जो भी मेरे टास्क होते हैं, देखो जो भी मेरे एवरी डे टास्क होते हैं, मैं उसमें डेट लिख देती हूँ और अपने टास्क को लिखती हूँ कि मुझे आज तक आज क्या क्या करना है, और उसको लिखने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, डे एंड पे इस पर टिक करते जाना है। इससे आपको ना ऐसा लगता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो एक मंथली बना लेना, मंथली टू डू बना लेना कि भाई मुझे 2 चैप्टर करने हैं, 2 बार रिविजन करनी है, 3 टेस्ट सॉल्व करने हैं, ऐसा। और एक शॉर्ट टर्म बनाना डे वाइज, इससे तुम्हें डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिविटी देखने मिलेगी और बहुत फायदा होगा। तो यार यही था आज की वीडियो में। अगला वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए मुझे बता दो, मैं बैक टू बैक ये सीरीज लेके आने वाली हूँ। आपको पूरे साल मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो यार अगर तुम तैयार हो इस जर्नी के लिए तो एक बार नीचे कॉमेंट्स में लिख देना #boardswithkritidi। We are ready and I'll see you in the next video. Bye.